आई टेल यू वेरी ऑनस्टली एंड वेरी ब्लॉटली एक्जैक्टली वट एपन मैं जब यूनिवर्सिटी में थी मैं सत्रह साल की उम्र पर कॉलेज गई टू कैनेडा टू वेस्टर्न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी वहाँ पर गई uh, अब यू नो यू ट्राई आवर बेस्ट टू फिट इन विद एवरी वन राइट right? तो आप जाते हो और वो सारे जो मैट चीजें कर रहे हो तो कर लेते हो तो बिकॉज मैं ऑल गर्ल्स डोम में थी तो मेरे फ्लोर पे जो सारी लड़कियाँ थी ऑल ऑफ दैम सेट वे गुन गो यू नो वी ऑल बिन हैंगिंग आउट एवर तो एक 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 जो थी जो बहुत ज़्यादा पियस्ट थी आईब्रो भी पियस्ट थी उसने कहा कि वो वी डू समथिंग क्रेजी यू नो सो दैट वी बॉन्ड फॉर एवर एंड ये एंड वो अब रात को सत्रह साल के मैं बंदा बहुत इमोशनल होता है सो ओके फाइन करते हैं कुछ तो फ्लोर पर आई थिंक कोई सोलह लड़कियाँ थी या अठारह लड़कियाँ थी एवरीबडी सेड के चलो चलते हैं वे आर ऑल गो टू गेट अ टैटू और अ सिंह जिसने जो करवाना है अच्छा मैं भी बड़ी गंगो होके साथ निकल तो पड़ी अब मैं वहां पहुंच गई उस बंदी को पेर्सिंग वाली जगह पर सारा कुछ ना कुछ ठक 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 करके हो गया सब रैंडम कमरों में चले गए क्योंकि एक ही रोम में चार पांच थी होती होती तो चार एक जगह पे चार एक जगह द पेयरसिंग hmm. कौन सी ऐसी पेयरसिंग है जो नजर नहीं आएगी hmm. क्योंकि मेरे जिसम पे कोई टैटू नहीं है yeah. मेरे कान सिर्फ एक एक दफा छिदे हुए हैं तो अब ए डर दूसरी बात मेरी माँ मुझे जिंदा गाड़ देगी सत्रह साल की उम्र पे आई यू एक्चुअली केयर ना यू गेट किल्ड मैंने कहा मैं अभी यूनिवर्सिटी गई हूं मुझे मैं जब वापस जाऊंगी तो मेरी माँ ने तो मुझे वापस नहीं आने देना कि अभी जबान पेस करा ली पता नहीं इसके बाद क्या कराएगी तो खैर उस वक्त कभी डिसाइडिंग उस बंदे ने कहा कि लुक जो लीस्ट विजिबल चीज है जिसका पता नहीं चलेगा वो टंग पियर्सिंग है मैंने कहा ओके अच्छा ये थी टंग पियर्सिंग की स्टोरी और मजे की बात बताऊं मैं तो बड़ी ना जबान की पक्की के हम कराने के लिए गए पियर्सिंग उन अठारह लड़कियों में से कितने लोगों ने कराई होगी या टैटू एक उसने जो लेके गई थी जिसकी ऑलरेडी पचास थे और एक मैं और किसी ने नहीं किया और किसी ने नहीं किया बिस्ती का अगला लेवल जबान भी सोच गई बॉन्डिंग भी नहीं हुई और बाद में पता चला जबान पे करना कितनी गंदी बात है

फिर उसके बाद मैंने ब्लैक रखा जो क्योंकि मुंह में वैसे ही अंधेरा होता है जब हम बात करते हैं तो वो पता नहीं, नहीं चाहती थी लोगों का जानना वो तो मैंने ढिटाई में रखी हुई थी पंद्रह साल कि अब कराइए और इस अजियत से गुजरू फिर मुझे एकदम से एहसास हुआ कि जुगन काजम दो बच्चों की माँ बन गई अब निकाल लो अब हाँ। बहुत हो गया जिससे देदे। हल्की देदे। सी है और वो भी क्योंकि तो ना आता बट अब सेलिंग नीचे होगी निकाल लो मैंने कहा अब सारे टॉर्चर से गुजरने के बाद अब मैं निकाल दू तो 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 अब मैं निकाल दू नहीं अब मैं रखूंगी मेरा भी मुझे कहता था तुम हर वक्त कोई ना कोई चीज कर रही होती उसको छुपाने के लिए तुम इतनी शर्मिंदा होगी तुम्हारी जबान पे ऐसे तो तुम निकाल क्यों नहीं देती कुछ दो साल पहले का बस हो गया जो इनका दिन बाहर निकाल इसको इनफ ऑफ दिस स्टिटी